बलौदाबाजार जिले के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक दिन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बलौदाबाजार जिले में पहली बार जो है 4 शासकीय विद्यालय से छात्रों ने टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। ऐसे ही एक छात्र है प्रीति यादव, जो बहुत ही गरीब परिवार की है, पिता उनके मजदूर है और उन्होंने अपना कक्षा 12वीं में स्थान बनाया है। वो भी ऐसे गाँव से बिलोंग करती है कि वो बहुत छोटा गाँव है जहाँ लोग भी नहीं पहुंच पाते हैं। कैसा लग रहा है प्रीति आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मैं मेरी लिस्ट में 3rd आई हूं और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को देना चाहती हूं और अपने फ्रेंड्स को। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है। खुशी मतलब इतनी है? तो जब सबसे पहले जब मैं सुनी कि मेरा इतना आया करके तो मैं रो पड़ी। अच्छा, रो पड़ी। आप इनके पिताजी हैं, क्या करते हैं आप? मिस्त्री काम करते हैं। थोड़ा सा खुल के बताएंगे? मिस्त्री काम करते हैं। अच्छा, बेटी जो है टॉप 10 में अपना जगह बनाई है, कैसा लग रहा है? अच्छा लगा, और पढ़ने का मन है तो और पढ़ो, ऐसे कह के मतलब इसको हम लोग बोलते थे, मतलब अच्छा पढ़ो और अपना अभी मतलब कुछ काम होता हम कराते भी नहीं था, इसको फ्री था, मतलब अपना पढ़ने लिखने में मस्त टाइम से अपन पढ़ते थे और मतलब वही सब है। आगे गुड़िया और पढ़ना चाहेगी तो कैसा सपोर्ट रहेगा घर वालों से? पढ़ाएंगे। तो आप जो है सफलता का श्रेय किसे मानते हैं और आप तैयारी कैसे की? जी मैं तैयारी सबसे पहले तो अपना सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहती हूँ। तैयारी तो मतलब मैं यही कि ना पेपर टाइम में हम लोग मतलब जो पहले जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व, मतलब पुराने जो साल का था 5 साल का पहले उसका हम लोग क्वेश्चन हल करके देखे और मैम हम लोग को मतलब वही टाइम कोचिंग के लिए बुलाती थी तो पढ़ते थे और मैम मतलब जो भी गलत होता था हम लोग से उसे सुधारती थी और बताती थी कि ऐसा मतलब लिखना चाहिए तो नंबर नहीं कटता है, ऐसा करके बताती थी। उसी के हिसाब से हम लोग ने मतलब तैयारी की तो आज ये हासिल हुई। घर में कैसा माहौल था, परिवार में मतलब पढ़ पाते थे घर में? जी हाँ, मैं बोलती थी कि मतलब मुझे शांति चाहिए तो इन लोग मतलब मेरे को शांत मतलब शांति देते थे और मैं शांत रहकर अपने पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करती। वो पूर्व की जो सरकार थी टॉपर को जो है हेलीकॉप्टर में सैर कराते थे, आपकी क्या इच्छा है? कराना चाहिए भाई। मतलब आप भी हेलीकॉप्टर में सैर करना चाहते हैं? तो पहली बार अवसर मिला है तो छोड़ेंगे थोड़ी। अच्छा ये बताओ, सीएम का तो फोन किस किस नेताओं का, मंत्रियों का, कलेक्टर से कोई नहीं आया क्योंकि मेरा नंबर ही गलत हो गया उसमें। अभी कलेक्टर साहब से मिले थे, क्या उन्होंने कहा? उन्होंने कहा कि मतलब बहुत ही अच्छा काम किया आपने, मतलब अपने पूरे गांव का नाम रोशन किया, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और अपने मतलब परिवार वाले और अपने गांव का नाम रोशन करते रहिए। मंत्री का भी फोन आया था, मंत्री से भी बात की? जी अभी नहीं आया है। टंकराम वर्मा से आप बात की? हाँ। कुछ बात है? वो बोले कि बधाई दिए और बोले कि आगे बढ़ते रहो और मैं आपसे और मुलाकात करूंगा, ऐसा करके बोले। इनकी माता श्री भी हैं, इतने गरीब परिवार से आपकी बेटी जो है इस मुकाम में पहुंची है, कैसा अनुभव रहा है? बहुत खुशी रही है। कितने लोग हैं आप लोग परिवार में, किस टाइप से? 10 परिवार हैं। अच्छा, परिवार में 10 लोग। बेटी टॉप 10 में आई है, कैसा लग रहा है? कलेक्टर से भी मिले हैं आप लोग? अच्छा लग रहा है, खुशी लग रहा है। इसके पहले आप जो है बच्ची जो है सरकारी स्कूल में पढ़ रही है, ऐसे में कैसे? ठीक है, उनके शिक्षक से बात करते हैं। मैं अलका राठौर कॉमर्स की टीचर हूँ। प्रीति शुरू से बहुत मेहनती जो है स्टूडेंट रही है हर क्षेत्र में, वो रंगोली भी अच्छा बनाती है, पेंटिंग भी अच्छा करती है, बहुत ही सिंसियर रही है वो। और जो है गाँव में तो कोई कोचिंग होता नहीं, जरूरत भी नहीं, हम टीचर है तो क्यों कोचिंग की जरूरत है। बाकी जो है लास्ट जो 2 मंथ्स थे उसमें उसको पूरे प्री बोर्ड की जैसे 5 साल के क्वेश्चंस पेपर को मतलब एग्जाम के जैसे एग्जाम लिया उसका, हर सब्जेक्ट का, और उसको चेक किया, जहाँ छोटी से छोटी भी गलती थी तो उसको बताया कि ऐसा करो ऐसा करो, क्योंकि 15 साल से पेपर वैल्यूएशन भी कर रही हूँ मैं,
तो उसमें भी एक अनुभव अपने को रहता है कि कैसे क्या करना है, कैसे लिखना है कहके। तो बस मेरा उद्देश्य यही था कि बस जी जान लगा देना है। हर साल में ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते गए और आज 14 साल में मेरी भी इच्छा पूरी हुई। तो जिले में शासकीय विद्यालय से 4-4 बच्चे जो हैं, वो भी पांचों जो हैं शेरनिया हैं, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, निश्चित रूप से जिले को गौरवान्वित करने वाला ये पल है, जैसा कि कलेक्टर साहब ने भी सम्मानित किया, हम भी उसको महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इन पांचों बच्चियों के कारण ही आज हम आपके सामने बात करने की स्थिति में हैं। और ये श्रेय निश्चित रूप से पूरे बच्चों के साथ साथ उनके टीचर्स, उनके पालकों को जाता है, जिन्होंने उनको मेहनत किया और उन इतनी बड़ी भीड़ तंत्र में इतने ज़्यादा बच्चों के बीच में मेरिट में स्थान बनाया। और विशेषकर जो हमारे गरीब तबके के बच्चे हैं, वो जब अपने विपरीत परिस्थितियों में भी निकल के टीचर्स की मेहनत की बदौलत और परिवारों के सपोर्ट की वजह से आज मेरिट में दूसरा और तीसरा स्थान बनाते हैं, तो ये फख्र का विषय है हम सबके लिए। आगे और लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, निश्चित ये सबके प्रेरणा स्रोत हैं कि जैसा कलेक्टर साहब ने भी कहा कि कोई भी चीज़ बाधक नहीं है। बच्चा यदि संकल्प ले, जिद कर ले अपने आप से कि मुझे करना है, तो ये बच्चों ने कर दिखाया। जैसा आपने देखा कि उनके माँ बाप जो हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, मजदूरी करके या बहुत अल्पाभाव में ये सब चीज़ें करते हैं, बावजूद बच्चियों को उन्होंने पढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं रखी, इसका परिणाम आज हमारे सामने है। तो ये थे बलौदा बाजार में बीते साल की अगर बात करें, तो बलौदा बाजार जिले से बीते साल से पहले हर समय जो है टॉप 10 में बच्चे आया करते थे, लेकिन साल 2023 में किसी भी बच्चों ने हिस्सा नहीं ले पाया था, लेकिन वर्ष 2024 में 5 शेरनियों ने अपना नाम दर्ज कराया है और उसमें से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो उनके परिवार बहुत ही गरीबी स्थिति में है, और लगभग जो है 4 बच्चे जो हैं शासकीय स्कूल में पढ़ा करते थे और एक जो है इंग्लिश मीडियम, लगभग चारों जो हैं इंग्लिश मीडियम के छात्र रहे हैं। एक प्राइवेट स्कूल की थी, गुरुकुल स्कूल की छात्र थी, है ना। तो ईटीवी भारत के लिए बलौदाबाजार से चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट।